आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड दो इसमें टॉपिक है, एक डीएनए है और दूसरा आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो है हम जानते हैं कि ये राइबो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर आए। एक तो इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर होती है वो शुगर का डिफरेंस होता है। इसमें जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और इसके अंदर जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। अब राइबोज शुगर अगर मैं फॉर्मूला लूँ, क्योंकि पेंटोज शुगर है, तो C5H10O5। डीऑक्सी राइबोज जो है उसका फॉर्मूला है C5H10O4। तो इसका मतलब यह है कि इसमें वन ऑक्सीजन लेस, एक ऑक्सीजन कम होती है एट कार्बन नंबर टू ऑफ पेंटोज शुगर। ये याद रखना है, कार्बन नंबर टू पे एक ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से ये डीऑक्सीराइबोज है वो बन चुकी है। फर्दर अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है ये मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, या आप कहते हैं कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर आपको देता है, डबल स्ट्रैंडेड। और जो आरएनए होता है मोस्टली वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये भी आपको इसमें डिफरेंस है वो मिल चुका है। अब फर्दर अगर हम डीएनए आरएनए में डिफरेंस देखें, तो डीएनए और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स उनका फर्क होता है, आप जानते हैं डीएनए में एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन होते हैं। आरएनए में एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन की जगह यूरैसिल होता है। डीएनए ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल में, और आरएनए जो होगा वो पूरे सेल के अंदर होता है, प्रेजेंस इसकी। तो ये भी इसमें डिफर करता है। अब जो डीएनए है, डीएनए की लोकेशन अब न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ जगहों पर ये प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और साथ जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए आपको मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में। और इसके अलावा आप जानते हैं कि ये क्रोमोसोम में होता है, वैसे तो क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर भी होता है। अब जो आरआरएनए, जो आरएनए है, ये मुख्तलिफ जगहों पर इसकी जो लोकेशन है उसमें ये न्यूक्लियोलस के अंदर वहाँ ये सिंथेसाइज इसकी फॉर्मेशन करते हैं राइबोसोम्स की। ये राइबोसोम के अंदर बड़ा इंटेग्रल पार्ट होता है, आरआरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर तो ये है ही, साइटोसोल में, ऐसे मैं आपको बताया कि वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो डीएनए से आरएनए उसके अंदर भी बनता है। तो ये तकरीबन तो पूरे सेल के अंदर जो फैला होता है। अब अगर इसकी अमाउंट देखें तो डीएनए की जो अमाउंट होती है वो अबाउट जो है वो कांस्टेंट है किसी एक स्पीशी के अंदर। किसी भी सेल के अंदर देखते हैं तो हमें उसकी अमाउंट एक फिक्स अमाउंट मिलती है, लेकिन इसकी जो अमाउंट जो होती है आरएनए की वो वेरिएबल होती है, यानी किसी जगह पर इसकी अमाउंट ज्यादा हो सकती है और किसी जगह पर इसकी अमाउंट कम हो सकती है। डीएनए का जो रोल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये हेरिडिटी में रोल प्ले करते हैं, और आरएनए का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्रोटीन सिंथेसिस है। तो दोनों में डिफरेंस आपको जो है वो पता होना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम इसमें जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड का, उस पर हम बात करते हैं कि इसमें स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो कौन कौन से हैं। मसलन मैं ये कहता हूं कि जो सब यूनिट्स होते हैं ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसके सब यूनिट्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स के अगर कंपोनेंट्स की आपसे बात की जाए कि खुद न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे बना होता है, तो इसमें तीन चीजें होती हैं कंपोनेंट्स में। इसमें एक, इसके अंदर पेंटोज शुगर होती है, क्योंकि राइबोज भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, अभी हमने बात की। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, और तीसरे नंबर पे इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को रिमूव कर दें, रिमूव फॉस्फेट, तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में कितनी चीजें आ गई, दो चीजें आ गई इसके अंदर, इसमें शुगर प्लस बेस। ये मिसाल के तौर पर अब मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, एडिनोसिन। एडिनोसिन जो है ये एक न्यूक्लियोसाइड, इसमें दो चीजें होंगी,
इसमें एक एडिनिन होगी प्लस इसके अंदर शुगर है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब एक है एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आ जाता है एडीपी एडिनोसिन डायफॉस्फेट, ये आ जाता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड होगी क्योंकि इसमें फॉस्फेट आपको मिलेगा, जिसमें फॉस्फेट होगा वो न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपली इसी तरह से गुआनोसिन गवानी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह से साइटोसिन, साइटोसिन एक नाइट्रोजनस बेस है लेकिन जो है वो साइटिडीन जो है वो एक न्यूक्लियोसाइड बन जाएगी क्योंकि इसमें शुगर ऐड हो जाएगी। तो शुगर ऐड हो जाएगी अगर बेस में जो है वो, तो उस दौरान वो एडिनोसिन बन जाएगा। अगर फॉस्फेट ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये भी इसमें पूछे जा सकते हैं। अब इनकी अटैचमेंट जो है वो इस तरह से होती है, जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो न्यूक्लियोटाइड में जो तीन चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे जहां हम अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो मैं पेंटोज शुगर अगर यहाँ ड्रॉ करूँ तो पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर है, ये 5 कार्बन में लगा लेता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5। अब इसके अंदर जो कार्बन नंबर 1 होती है उसके साथ नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के। जो फॉस्फेट होता है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड आपको यहाँ पर मिलेगा। शरीर के अंदर यहाँ OH की इंपॉर्टेंस होती है, OH एंड दिस इज द ग्रोइंग एंड, या हम कह सकते हैं कि ये इस तरफ चेन लंबी होगी, ठीक है OH। तो ये अब आगे फर्दर जो बॉन्डिंग होगी तो आगे फर्दर जो है वो बॉन्ड होता जाएगा। तो ये 5 नंबर पे फॉस्फेट अटैच है, इस वजह से इसको हम 5 प्राइम एंड कहते हैं। अब इधर को ये चेन लंबी होनी है क्योंकि 3 नंबर के ऊपर OH अटैच है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमेशा जब भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, या आपने पढ़ा हुआ है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, 5 to 3 होती है बिकॉज 3 इज द ग्रोइंग एंड। अब अगर तो यहाँ पर 2 नंबर पे एच और OH लगा हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड है आरएनए का क्योंकि यहां पर OH लगा हुआ। लेकिन अगर यहां OH की बजाय यहां पर एच लगा हो, यानी एक ऑक्सीजन कम हो, तो हम ये कहेंगे नाउ दिस इज द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए बिकॉज द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसमें कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं बेस के अंदर। आगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी कुछ चीजें जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें कौन सा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होती है ये वेरिएबल है, वेरिएबल क्योंकि इसकी जगह पर एडिनिन लग सकती है, साइटोसिन लग सकती है, गवानिन लग सकती है, थायमिन लग सकती है, यूरेसिल। तो दिस इज वेरिएबल स्ट्रक्चर। और अगर हम न्यूक्लियोटाइड को नाम देंगे तो जो नेम होगा न्यूक्लियोटाइड का वो बीसी के बेस पे होगा, एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, गवानिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन, बाकी सारे के सारे जो फिक्स्ड होते हैं। अब हम 2 मेन कैटेगरीज में वो रखते हैं न्यूक्लियोटाइड की, एक जो होते हैं वो हम प्यूरीन लेते हैं और दूसरे जो है वो हम पायरिमिडीन लेते हैं। इनमें फर्क आ सकता है दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। प्यूरीन्स होते हैं वो डबल रिंग होते हैं, क्या मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ उसमें डिफरेंस भी याद रखना है। और या आप कह सकते हैं कि ये लार्ज होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। पायरिमिडीन्स होते हैं ये सिंगल रिंग होते हैं और ये स्मॉल स्ट्रक्चर इनका जो है वो होता है। तो याद ये रखना है कि इनका नाम क्योंकि बड़ा है तो इसका स्ट्रक्चर छोटा होता है, इसका नाम छोटा है इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, थोड़ा सा निशानी याद रखने के लिए एक ट्रिक आप कह सकते हैं। अब ये दोनों के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, मैं यहाँ एक डायग्राम ऐड करता हूँ वहां से हम ये देखते हैं कि दोनों में क्या, या जो तो डिफरेंट इसके अंदर बेसिस आती हैं उनमें क्या जो है फर्क होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आपके पास एक डायग्राम जो है वो इस पर नजर आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ आपको क्लियरली इसमें पता चल जाए। आप देखें ये 5 जो है वो बेसिस आपके सामने नजर आ रही है, इसमें जो प्यूरीन है उसमें एडिनिन और गवानीन है और ये डबल रिंग है, और पायरिमिडीन जो है ये सिंगल रिंग है, 3 तरह की आती है, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन इसके अंदर आ जाता है। अब यहाँ अगर हम ये देखें और इसमें डिफरेंस देखें क्या होता है, तो अगर तो इधर अमाइनो ग्रुप अटैच है ये कार्बन नंबर 6 के ऊपर, देयर इज द अमाइनो ग्रुप, तो ये एडिनिन है, एक तो पता चल गया डबल रिंग है, दूसरा इसमें अमाइनो ग्रुप अटैच है। और अगर उसी जगह पर जहां अमाइनो ग्रुप अटैच है एडिनिन में वहां आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिले,
इसका मतलब है ये कवानी है। और अमाइनो ग्रुप जो है वो आपको टू नंबर पे मिल रहा है, ये हियर इज द अमाइनो ग्रुप। अब आपको डिफरेंस जो है वो मिल जाएगा, यानी सिक्स की बजाय टू पे है और सिक्स पे कार्बन है ग्रुप पे, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो आपको डबल रिंग के मिलता है। प्यूरिन में देख लें तो प्यूरिन में एक चीज सब में कॉमन है, यानी साइटोसिन, यूरिन, यूरेसिल, थायामिन में कॉमन कौन सी चीज है कि सब में टू नंबर पे कार्बोनाइल ग्रुप है, टू पे सब में कार्बन है। दिस इज कॉमन टू ऑल सिंगल रिंग नाइट्रोजन स्पीशीज। अब फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि अगर अमाइनो ग्रुप है फोर पे तो साइटोसिन, और अगर फोर पे भी कार्बोनाइल ग्रुप है, टू पे तो है ही, फोर पे भी कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये यूरेसिल आ गया। और अब थायमिन में क्या फर्क देखें, अब देखें फोर पे अगेन कार्बोनाइल, अब देखें ये यूरेसिल और थायमिन बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, जैसे मैंने देखा कि टू और फोर दोनों पे कार्बोनाइल है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें फाइव नंबर जो कार्बन है उसमें आपको मिथाइल ग्रुप मिल गया, दिस इज द मिथाइल ग्रुप एट द फाइव नंबर कार्बन, बाकी कोई फर्क नहीं यूरेसिल थायमिन जो के सेम, जिस वजह से हम थायमिन को फाइव मिथाइल यूरेसिल भी कह सकते हैं, फाइव मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि देखें अगर आप मिथाइल को इग्नोर करते हैं तो फिर तो वो यूरेसिल ही है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसमें डिफरेंट जो रिंग्स हैं, डबल रिंग कौन सा है, सिंगल रिंग कौन सा है, और इस तरह से ये डिफरेंस है इनमें एक दूसरे से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। अब ये तो हो गई न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच होते हैं तो वहां जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है हम उस पर पहले बात कर लेते हैं, वो है फॉस्फो डायस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो बनता किस तरह से है और कहाँ कहाँ बनता है, अब देखें हमारे पास एक जो न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे के साथ अटैच होता है, मिसाल के तौर पर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ इसके साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच है लाइक दिस ये, और यहाँ इसके साथ जो है वो कार्बन है, उसके साथ फॉस्फेट जो है वो अटैच होता है लाइक दिस ये, और इसमें या ऑक्सीजन है, तो ये एक तो जो है वो एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो थ्री नंबर कार्बन है यहाँ ओएच होता है। अब यहाँ जो ओएच होता है वहां फिर से बॉन्डिंग होती है दूसरी शुगर के साथ, या दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड होता है, यहाँ कार्बन, यहाँ जो फॉस्फेट होता है वो इसके साथ जो है यहाँ बॉन्डिंग करता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट दो शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये फॉस्फेट इस तरफ भी बॉन्डिंग कर रहा है, अगर मैं यहाँ कंप्लीट बॉन्डिंग आपको दिखा दूँ ये, और इधर भी बॉन्डिंग बना रहा है, इधर भी, तो ये फॉस्फेट डायस्टर बॉन्ड आपको मिलता है, और इसमें अगर हम देखें तो ये कार्बन नंबर थ्री है और ये कार्बन नंबर फाइव, तो कैसे लिखेंगे, सी ओ पी ओ सी, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसका मतलब है एक तरफ कार्बन नंबर थ्री जो बॉन्डिंग कर रही है, ठीक है, दूसरी तरफ जो होगा वो कार्बन नंबर फाइव बॉन्ड कर रहा है, फॉस्फेट जो है वो दोनों तरफ जो होगा अटैच होते हैं, फिर थ्री पे फिर ओ एच है, और इस तरह से इस तरफ न्यूक्लियोटाइड जो अटैच होते रहेंगे, यहाँ फाइव के साथ फॉस्फेट है, यहाँ थ्री के साथ ओ एच है, जिसकी वजह से हमेशा जो एडिशन है वो फाइव टू थ्री ही होगी, तो ये फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बनता है, और जब भी बॉन्ड बनता है यहाँ से वाटर जो है उसकी रिमूवल होनी है, बिकॉज दिस इज अगेन द प्रोसेस ऑफ द डिहाइड्रेशन, या इसको कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। सो आप एक तो याद रखना अपने फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज जो है वो किस तरह से डिवेलप होता है। अच्छा, इसी तरह से एक और जो बॉन्ड होता है उसको भी याद रख लें, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस में मिल जाएगा, यह है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अब ये कहाँ पर होता है, ये एक्चुअली जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जो होता है दैट इज फाउंड बिटवीन फॉस्फेट्स, ये फॉस्फेट्स के दरमियान होता है, मसलन अब किस तरह से फॉस्फेट्स के दरमियान है, आप जानते हैं कि जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना एटीपी का, एटीपी के अंदर ट्राई फॉस्फेट होते हैं, अब उसमें ये होता है एक बेस है यहाँ पर, ये आपको बेस मिल रही है, ठीक है, अब फॉस्फेट जो है यहाँ अटैच होता है, मिसाल के तौर पर एक तो फॉस्फेट जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अटैच है ये, अब आगे जो है वो फिर से फॉस्फेट अटैच होना शुरू हो जाते हैं लाइक दिस, दो फॉस्फेट अटैच हो गए और इसी तरह से तीन फॉस्फेट अटैच हो गए। अब अगर हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करें इसमें
एटीपी के स्ट्रक्चर में, तो ये वाला जो बॉन्ड मिलेगा ये तो है एस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये शुगर के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर फॉस्फेट्स के दरमियान ये वाले बॉन्ड देखते हैं तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसको हम फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं एटीपी के अंदर। तो ये फॉस्फेट्स के दरमियान बनते हैं, तो ये आपने इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और वो डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं वहां पर यूज होते हैं, उन पर भी हम थोड़ी सी बात करें। जैसे देखें एनएडी है और एफएडी है। अब एनएडी आप जानते हैं कि ये निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये हम पढ़ चुके हैं बायोएनर्जेटिक्स टॉपिक के अंदर। और एफडी जो है दैट इज द फ्लेवन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये एनडी और एफडी ये बहुत इंपॉर्टेंट डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि बहुत सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस के अंदर और रिडक्शन प्रोसेसेस के अंदर यूज होते हैं। तो ये सवाल आ सकता है कि कौन से ऐसे न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि यूज होते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। अब हम आ जाते हैं डीएनए पे, सबसे पहले हम डीएनए पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आरएनए पे बात करेंगे। डीएनए हम जानते हैं कि इसमें पहली बात कर चुके हैं कि ये हेरिडिटी मटेरियल। अब इसमें अगर इसको स्टडी करें तो सबसे पहले जब इस पे रिसर्च स्टार्ट हुई तो इसका एक्सरे डायफ्रेक्शन मॉडल जो है वो डिवेलप किया गया, या आप कहेंगे इसकी एक्सरे डायफ्रेक्शन की गई। और ये डायफ्रेक्शन जो है ये हुई 1951 में, और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो है वो डायफ्रेक्शन की, दे वर विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। कुछ जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो अपने याद रखनी। उसके बाद इसका डीएनए स्केल मॉडल बना, और ये 1953 के अंदर बना, और ये मॉडल वॉटसन और क्रिक ने जो है वो डिवेल्प किया। ये मेन एक्चुअली मॉडल है जिसपे हम आगे चल के जो है वो डिटेल में बात करेंगे और एक डायग्रामेटिकली इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके मॉडल के अंदर कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है उसको आपने देखना है। ये इस डायग्राम से हम इसको देखते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, कई दफा सवाल इसमें से आए। अभी आपके सामने डीएनए के मॉडल है। देखिए डीएनए के मॉडल के अंदर आपको एक तो अगर इसमें आप देखें तो इसमें टू पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। अब टू पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में देखें, एक तरफ उन्होंने थ्री एंड शो किया हुआ है, तो थ्री एंड किसकी वजह से, ओएच की वजह से, और फाइव एंड जो है वो किसकी वजह से है, वो फॉस्फेट की वजह से। तो यहां पर जो थ्री एंड है इसका मतलब है कि ये वाला थ्री एंड फाइव एंड है, ये फाइव टू थ्री जा रहा है, और अगर ये थ्री एंड है तो ये वाला फाइव एंड है, थ्री है। तो इसका मतलब देखें इस तरफ ये एरो शो कर रहा है कि इस तरफ वो चेन लंबी हो रही है, इसका मतलब है कि वो थ्री एंड होगा। सो ये दोनों जो स्ट्रैंड है वी नो दैट कि ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एक तो ये इसमें याद रखें। दूसरा आप देखें अगेन यहां पर अगर हम देखूं तो देखें फाइव पे फॉस्फेट लगा हुआ है और ये थ्री जहां खत्म हुआ है वहां पर आपको OH मिलेगा जो कि आगे ग्रोइंग फॉर्म में शो किया गया, और दूसरा उसके ऑपोजिट है। जो वन नंबर है वहां पर बेस अटैच, और दूसरी तरफ है वहां पर भी वन नंबर पे बेस अटैच, और आप देखेंगे वो इन्वर्टेड फॉर्म में मिल रही है शुगर। आप अगर इस शुगर को देख रहे हैं ये और इस शुगर को देख रहे हैं बिल्कुल उलट किया, क्योंकि वो दोनों वन वन एक दूसरे के सामने आएंगे। या हम देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस जब एक दूसरे के सामने आएंगी तो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, ये वाली नाइट्रोजनस बेसिस है। अब अगर एक तरफ डबल रिंग है तो दूसरी तरफ सिंगल रिंग हो, याद रख रहे हैं कि हमेशा डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग ही आना है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो डबल रिंग आ जाए या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो सिंगल रिंग आ जाए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस रिंग, अगर डबल रिंग है उधर सिंगल रिंग। अब हमने देखना है कि उनके दरमियान बॉन्ड कितने हैं और कौन से बॉन्ड देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ हमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर हम कहेंगे कि डबल रिंग वाली गवानीन है, सिंगल रिंग वाली साइटोसिन है, क्योंकि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान तीन बॉन्ड होंगे और एडिनिन और थायमिन के दरमियान दो बॉन्ड होंगे। मतलब यहाँ सबसे पहले तो डबल रिंग वाली देखनी है, देखिए डबल रिंग है, सिंगल रिंग आ गया, बॉन्ड दो है, तो डबल रिंग वाली एडिनिन, सिंगल रिंग वाली थायमिन, क्योंकि आप जानते हैं
थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सिंगल रिंग वाले होते हैं। एक तो ये चीज याद रखें। दूसरा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये कौन कौन से एलिमेंट्स के दरमियान हो सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ये हमें जो मिलेंगे वो या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान मिलेंगे या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो। कहीं पर भी आप देख लें, आप यहां देख लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ना तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान है ना कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपने याद रखने के, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो देते हैं। दूसरा याद रखना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दे एक्चुअली मेंटेन हेलिक्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए का जो हेलिकल मॉडल होता है, जिसको हम हेलिक्स कहते हैं डीएनए को, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मेंटेन कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, अगर हम डीएनए का डायमीटर देखते हैं, डायमीटर ऑफ डीएनए, तो ये डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है। अब ये 2 नैनोमीटर जो डायमीटर है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, दैट इज मेंटेन्ड ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ये इसके डायमीटर को जो है मेंटेन करती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर डबल रिंग वाला आ रहा है तो आगे सिंगल रिंग वाला आएगा, अगर सिंगल रिंग वाला आ रहा है तो उसके सामने डबल रिंग आ रहा है, तो जिस वजह से डायमीटर मेंटेन रहता है। अगर कभी ऐसा हो कि डबल रिंग आ जाए, कभी सिंगल रिंग आ जाए, तो डायमीटर कम से ज्यादा होता रहेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने याद रखना है। दूसरा, जब आप किसी भी दो नाइट्रोजन स्पेसिस के दरमियान डिस्टेंस देखते हैं, ये यहां से लेके यहां तक, ये हमें भी यूनिफॉर्म डिस्टेंस मिलता है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर ये मिलता है। और ये जो डिस्टेंस होता है जो यहाँ पे मेंटेन्ड है, दिस डिस्टेंस इज मेंटेन्ड बाय हाइड्रो फोबिक इंट्रैक्शन। ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, या इसको हम वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। अब इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो मेंटेन्ड रहता है यूनिफॉर्म। कोई से भी दो नाइट्रोजन स्पेसिस को दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जब डिस्टेंस देखते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक और यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है वो मिलता है। फिर अगर हम इसमें एक टर्न की बात कर लें, मिसाल के तौर पर डीएनए है, डीएनए के अंदर एक टर्न कंप्लीट टर्न आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक आपको एक कंप्लीट टर्न मिलेगा, वन कंप्लीट टर्न। अब इस कंप्लीट टर्न के अंदर 10 पेयर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होंगी। अब अगर दो के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.34 नैनोमीटर है, तो फिर एक टर्न में कितना होगा, तो हम करेंगे 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर। ये कंप्लीट टर्न के अंदर जो डिस्टेंस आपको मिल जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। या 3.4 नैनोमीटर को हम 34 एंगस्ट्रम यूनिट भी कहते हैं। अब ये डीएनए का आपके सामने स्ट्रक्चर है और इसको हमने एलैबोरेट किया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके अंदर जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, और इस तरह के सवाल जो है वो पेपर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बुक के अंदर उसने इंट्रैक्शन और भी दिया है, दैट इज द हाइपर फोबिक इंट्रैक्शन। अब हाइपर फोबिक इंट्रैक्शन जो है इसके लाइन लिखी है कि दैट इज फॉर द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी इसमें दिखा देते हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं आरएनए पे। कुछ चीजें आरएनए के अंदर हैं, कुछ उसकी टाइप्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये आरएनए जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो सारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, मेनली सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इसकी टाइप्स और उनके फंक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। आरएनए जो है 3 टाइप्स आ जाती है इसमें, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब तीनों में जो मैसेंजर आरएनए है ये 3 to 4% ऑफ डीएनए, ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% ऑफ डीएनए,
और राइबोसोमल आरएनए दे रहा है अबाउट 80%, सबसे ज्यादा जो है ये आपको मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, दैट टेक इन्फो इंफॉर्मेशन लेके आता है फ्रॉम डीएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए जो डीएनए से इंफॉर्मेशन आएगी मैसेंजर आरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए क्या करें, दे पिक अप अमाइनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड को पिक करेंगे और अमाइनो एसिड जो है उनको वो एक चेन के अंदर लगाते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑन द मैसेंजर आरएनए, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास है। अब जो राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए और द इंटेग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम का पार्ट है एंड वी नो दैट कि राइबोसोम आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज ये वहां प्रोटीन बन रही है, सो दैट्स व्हाई दे आर एक्टिंग एज ए साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब सवाल आ जाते हैं कि जी कोडोन किस पे होते हैं, तो आपने बताना है कि कोडोन जो है वो मैसेंजर आरएनए पे होते हैं। कोडोन है क्या, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, ये तीन न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन होते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन होती है फॉर वन अमाइनो एसिड, तीन न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है वो एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन है। तो इस वजह से समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए पर होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ प्रोटीन व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म। मिसाल के तौर पे एक प्रोटीन बननी है और मैं कह रहा हूं कि प्रोटीन में 100 अमाइनो एसिड होने चाहिए, तो ये बताएं कि जो मैसेंजर आरएनए है उसकी लेंथ क्या होगी। तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो है वो 300 न्यूक्लियोटाइड होगी, क्योंकि एक अमाइनो एसिड बनाने के लिए तीन न्यूक्लियोटाइड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। इसके ऊपर जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसको आगे चल के हम यहाँ ट्रांसलेशन के अंदर अगर आपका टॉपिक इंक्लूडेड हुआ तो उसको डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये लेंथ जो होती है इसके अंदर वेरी करती है, एक तो ये आपने इसके अंदर याद रखें। अब ट्रांसफर आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए जो है इसमें एक तो इसका स्ट्रक्चर हमने आगे देखना है, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे टोटल टाइप्स इसकी 45 45, एंड आउट ऑफ द 45 20 जो ट्रांसफर आरएनएज होते हैं दे आर यूज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब 20 जो है डिफरेंट टाइप्स के, उसकी वजह यह है कि हर एक जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो स्पेसिफिक होता है एक अमीनो एसिड के लिए। मिसाल के तौर पर एक ट्रांसफर आरएनए मिथायोनीन को अगर कैरी कर रहा है तो हमेशा उसने मिथायोनीन को ही कैरी करना है, अगर एक ल्यूसीन को कैरी कर रहा है इसका मतलब है कि वो ल्यूसीन को ही पिक करेगा, किसी और को वो नहीं लाएगा। तो इस तरह से हर ट्रांसफर आरएनए का जो रोल होता है वो ये है कि वो स्पेसिफिक मैसेंजर जो है वो अमाइनो एसिड को पिक करेगा और लाकर चेन के अंदर जो है वो लाएगा। राइबोसोमल आरएनए जो है वो जैसे मैंने बताया कि राइबोसोम का इंटेग्रल पार्ट है, 40 to 50% यानी अबाउट हाफ ऑफ द राइबोसोम होता है वो राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं एंड दे एक्चुअली द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन सिंथेसिस में, या टेक्निकली हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, वहाँ तीनों जो आरएनए होते हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल है। कोई एक भी आरएनए अगर अपना फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोटीन जो है वो नहीं बन सकती। इंफॉर्मेशन भी उतनी ही जरूरी है और अमाइनो एसिड भी उतनी ही जरूरी है और साइट का होना भी उतना ही जरूरी है। अब एक हमने यहाँ बात की कि जो कोडोन होते हैं वो होते हैं मैसेंजर आरएनए पर, तो उसके ऑपोजिट जो एंटी कोडोन होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो याद रखना है कि जो एंटी कोडोन होते हैं वो आपको मिलेंगे ट्रांसफर आरएनए पर। यहाँ मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, इसमें कुछ लूप्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और वो आपने याद भी रखनी है, क्वेश्चन वहां से पूछा भी जा सकता है। अच्छा, यहाँ जो ये ट्रांसफर आरएनए है इसके अंदर एक तो लूप्स जो है वो कौन कौन सी हैं, इसमें एक जो है वो डी लूप है, एक टी लूप है, और साथ मैंने जब बताया आपको कि एंटी कोडोन जो होता है वो इसके अंदर जो है वो आपको मिलेगा 5 to 3 ही आपको लेंथ में मिलेगा। फॉस्फेट प्रेजेंट है 5 पे और 3 पे ओएच प्रेजेंट, तो यहाँ ओएच प्रेजेंट है दैट इज द साइट फॉर द अमाइनो एसिड अटैचमेंट, तो यहाँ अमाइनो एसिड जो है उसने अटैच होना है। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि अमाइनो एसिड 5 पे अटैच होगा या 3 पे अटैच होगा, तो आपने बताना है कि ये 5 जो है उस पर अटैच होता है। दूसरा, इसके अंदर जो अदर लूप्स हैं उसमें जैसे कि आपको यहाँ पर एक लूप मिल रही है डी लूप, हम सिंपली कह सकते हैं कि दैट रिकग्नाइज एक्टिवेशन इन साइट,
और जो राइबोसोम की रिकग्निशन है वो इस सीटा लूप के अंदर पे होती है, इसको हम टी लूप कहते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कि राइबोसोम रिकग्निशन साइट, सो ये इसमें जो स्ट्रक्चर है इसको आपने जो लर्न कर लेना है। यहाँ से सवाल जो है वो पेपर में आ सकते हैं, और ये ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है ये भी इम्पोर्टेंट है।